नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सशक्तिकरण कस्बे के परमहंस रणछोड़ दास इंटर कॉलेज खटपिया कला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी श्रीनिवास ने सदगुरु महाराज के चित्र में माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं उपस्थित ग्राम पंचायत साड़ी पतरखन निषाद अलोना प्रधान सुमित सविता, कॉलेज प्रबंधक हरभजन गुप्ता, पूर्व प्रधानाचार्य आनंद किशोर लाल सहित क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं मौके पर उपस्थित रहीं। जालौर में जानवरों के लिए चारा लेने गई महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं जब खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने झाड़ियों में शव देखा तो पुलिस को सूचना थी। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जनपद जालौर के चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम वैद्य विनौरा का मामला बताया जा रहा है। वहाँ पर एक 40 वर्षीय महिला जिनकी पहचान गांव की गीता देवी के रूप में हुई है और उनका शव वहाँ पर मिला है। शव पर चोट के निशान हैं और वो वहाँ पर घर वालों से बात हुई तो ये पता चला कि कल वो सुबह वहाँ पर घास काटने आई थी और उसके बाद से घर नहीं लौट रहे थे। तब से उनको तलाश किया जा रहा था, पुलिस को भी सूचना दी गई थी, उसके बाद से पुलिस उनको तलाश कर रही थी। तो आज उनका शव प्रातः वहाँ पर बरामद हुआ है। फील्ड यूनिट ने मौके से इम्पोर्टेंट साक्ष्य उठाए हैं, कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ इसमें की जा रही है। बहुत ही जल्दी घटना का नाम है। वहाँ पर एक उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रक्षा रत्सर बलिया में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत बाल विवाह बाल श्रम मुक्त भारत जागरूकता रैली निकाली गई, जो महाविद्यालय से प्रारंभ होकर रक्षा स्थित शिव मंदिर होते हुए कॉलेज के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। वही रैली में प्रेरक नारों के द्वारा बाल विवाह बाल श्रम और बाल शोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जालौर में जानवरों के लिए चारा लेने गई महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। वहीं महज 8 घंटे में महिला का हत्यारा पकड़ा गया। बता दें कि चुरखी थाना क्षेत्र में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी और हत्यारे को आला कत्ल कुल्हाड़ी और फावड़े के साथ गिरफ्तार कर विधि कार्रवाई शुरू की गई है। जालौर जिले के चुरखी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जिनका नाम गीता देवी है, वो अपने घर से कल सुबह से मिसिंग थी। उनके परिवार ने रात को सूचना दी थी और उस सूचना के आधार पर पुलिस लगातार उनको तलाश कर रही थी। आज सुबह ये सूचना मिली कि उनका शव वहीं पर एक खेत में बिनौरा खुर्द गांव में चुरखी थाना अंतर्गत हुआ आता है, वहाँ पर उनका शव पड़ा हुआ मिला है। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुँचा, फील्ड यूनिट पहुँची, मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया गया और टीमें इसमें गठित की गई, SOG सर्विलेंस और थाना टीम, और लगातार इसमें कार्रवाई की गई और काफ़ी अहम साक्ष्य सभी टीमों ने मौके से जुटाए और उसके आधार पर जब हम लोग आगे बढ़े तो इसमें एक व्यक्ति जिस सहदेव पाल उसको गिरफ्तार किया गया है और जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है और ये भी बिनौरा वैद्य का ही रहने वाला है। इससे पूछताछ जब की गई तो इसने ये बताया कि इसके खेत से जो महिला है वो बाजरा वगैरह काटने आया करती थी और इस बात का इसने विरोध किया, जिसको लेके इसने महिला के साथ कल कुछ बोला जिसके महिला ने नाराज़ होके इसकी पिटाई कर दी थी और उससे क्षुब्ध होके इसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी इसने कुल्हाड़ी महिला के सिर के पीछे मार दी, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण महिला की मृत्यु हो गई थी। और फिर इसके बाद इसने साक्ष्य मिटाने के भी वहाँ प्रयास किए थे एक फावड़े से और खून वगैरह इसने गड्ढे में दबाया था, तो इसके पास से वो फावड़ा भी बरामद हो गया और वो कुल्हाड़ी भी जो बरामद कर ली गई है पुलिस ने, जिससे महिला की हत्या की गई थी। इसके अतिरिक्त बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य जो हमारी फील्ड यूनिट ने मौके से उठाया था, एक इसकी शर्ट का, इसके कुर्ते का एक बटन था,
उसी के आधार पर क्लियर हुई चीज़ें। वो इसका कुर्ते का जो बटन था वो इसके कुर्ते से मैच किए और ये बहुत ही अच्छे एविडेंस था जिसके कारण हम लोग ये एस्टेब्लिश कर पाए कि ये वही सेम व्यक्ति है। और इसने फिर पूछताछ में सारी चीज़ें इसने बता दी, इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाए। आज सुबह एक सूचना जालौन जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जालौन में दो अलग अलग स्थानों पर हुई मार्ग दुर्घटनाओं में एक बुजुर्ग की मौत और करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बता दें कि पहली घटना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुई, जहां एक्सप्रेसवे पर किनारे खड़े ट्रक में पीछे से एक ट्रक जा घुसा, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरीके से फंस गए, जिन्हें हाईवे अथॉरिटी एम्बुलेंस सेवा द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें उपचार दिया। वहीं दूसरी घटना गोहर थाना क्षेत्र में गोरा चेहरा गांव के पास हुई, जहां दो ऑटो रिक्शा में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें चार लोग घायल हो गए, जिन्हें समीपवर्ती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया और अन्य लोगों का इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। सर, आज ऑटो में भिड़ंत हुई है, दोनों ऑटो में, सर क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 17/10/23 को सुबह लगभग 8:30 बजे थाना गोहन के अंतर्गत ग्राम गोर चिरैया और ग्राम रहावली के बीच दो ऑटो आपस में टकरा गए, जिसमें चार व्यक्ति घायल हुए थे, जिनको CSC माधवल लाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति रघुवीर शिवदास पुत्र रघुवीर, इनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, और शेष तीनों लोगों को मेडिकल कॉलेज उलई के लिए रेफर किया गया है। सभी के परिवारिकजन मौके पर आ गए हैं, शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आज ऑटो जालौर में नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, वहीं चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट भी की। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं अस्पताल में समुचित पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जालौर जिले के उरई नगर क्षेत्र में स्थित जिला महिला अस्पताल का मामला बताया जा रहा है। प्रसूता थी जिसका ऑपरेशन हुआ था 2-3 दिन पहले, उसके बच्चे की मौत हुई है, तो उसके बाद जो है उसके परिजनों ने डॉक्टर्स के और स्टाफ के साथ SNCU में जो है मारपीट की घटना की है, शीशे वगैरह तोड़े हैं, और उसी की वजह से जो है डॉक्टरों में थोड़ा आक्रोश था कि इस तरह की घटना ना हो, तो उनको सबको समझा के काम पे वो करा दिया गया है, और जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ CO साहब सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं, तो उनको जो है सुसंगत कार्रवाई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज कराई जाएगी और चिकित्सालय में जो है सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यहाँ की सेवाएं जो है सुचारू रूप से संचालित की जाए। सर, बच्चे की मौत हुई है, किसी की लापरवाही है या ये देखा जाएगा कि कोई ये वजह है ऐसी कि नहीं। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि उसको दूध पिला दिया माँ ने उसकी, और ऐसे होता है लेटे लेटे दूध पिलाने से कभी कभी सांस की नली में दूध चला जाता है, क्योंकि शाम को जो अभी बताया है, शाम को जो है बच्चा ठीक था जो डॉक्टर ने बताया है, और अचानक कभी कभी सडन डेथ सिंड्रोम बच्चों में होती है, तो उसकी अब देखा जाएगा क्या वजह है, आवश्यकता होगी तो पोस्टमार्टम भी कराएंगे। प्रसूता थी जिसका उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के विभाग के अंतर्गत छाता विधानसभा क्षेत्र के छाता नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक ऐसा अस्पताल है जहां पर आसपास के गांव के लोग भी अपना इलाज कराने के लिए एक उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पर्चा बनाने से लेकर डॉक्टर तक सब अस्पताल से नदारद हैं। हालात यह है कि ज्यादातर डॉक्टर के कमरे खाली पड़े हुए हैं या उन पर ताला लटका हुआ है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या कार्रवाई करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? सत्यपाल। आप यहाँ अस्पताल पर आए पर्चा बनवाने के लिए, तो यहाँ पर कोई नहीं है, क्या परेशानी आ रही है? नहीं है, परेशानी है। कितनी देर से खड़े हुए हैं आप? कम से कम 8 घंटा होगा। यहाँ पर आपने किसी डॉक्टर को या किसी को बताया? कोई बोला ही नहीं, कोई है ही नहीं। कहाँ से आए हैं आप?
डॉक्टर को कहा था जानकारी ना यहाँ खड़े करके पर्ची लगा रहे हैं यहाँ खड़े हैं पर्ची। कितनी देर से खड़ी हुई हैं आप यहाँ पर? हम कहाँ हैं, कोई 9:30 बजे। बाबा क्या नाम है आपका? सत्यपाल। आप यहाँ अस्पताल पर आए पर्चा बनवाने के लिए, तो यहाँ पर कोई नहीं है, क्या परेशानी आ रही है? कोई नहीं है, परेशानी है। कितनी देर से खड़े हुए हैं आप? कम से कम 8 घंटा हो गया। सभी प्रधान आए हमारे पहले। जनपद बथुरा के सभी प्रधानों का कहना है कि सभी प्रधान अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रधानों का कहना है कि पंचायत निधि की कटौती जो जिला पंचायत अध्यक्ष को दी गई है वो वापस पंचायत को दी जाए, जिससे प्रधान, पंचायत सहायक और शौचालय केयर टेकर का मानदेय पंचायत निधि से ना होकर शासन से होना चाहिए। साथ ही मनरेगा कार्य की MMS खत्म कर दी जाए और मनरेगा का पक्का कार्य जनपद मथुरा में शुरू होना चाहिए और ब्लॉक में प्रधान का होना चाहिए, जिससे वे अपने कार्य कर सके। इन सभी मांगों को लेकर जनपद की सभी प्रधान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहीं सभी प्रधानों की समस्याओं को सुनकर जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द सरकार को पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है। जी, सभी प्रधान आए हमारे, पहले तो आपको बता दूं आपके माध्यम से कि हमारे सभी प्रधान आए, पूरे ब्लॉक के आए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जो निधि है, जो हमारी जो पंचायत निधि है, जो वो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को 30% दे दी गई है। सबसे पहले हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो निधि हमें वापस आए, क्योंकि उसके बगैर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा हमारा एजेंडा ये है कि जो कंप्यूटर सहायक है और शौचालय टेकर है और प्रधान, इनकी जो सैलरी है, जो इनकी सैलरी सरकार के थ्रू आए, न कि हमारी प्रधान निधि से। हमारी किस्त आती है 1 साल बाद 6 महीने बाद, और इनकी हर महीने हमारा पैसा जो हमारी निधि है, जब वो सब टोटल पैसा इसी में चला जाता है। आपके माध्यम से बता दूं, मैं लिखित में दे रहा हूँ, 32,000-34,000 की किस्त आती है छोटी पंचायतों में, 28,000 की किस्त आती है छोटी पंचायतों में, और इतना पैसा हमारी ये सैलरी में चला जाता है। तो बताओ अब हम करें क्या? ये तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए प्रधान, तो अब इस समय तो असहाय महसूस कर रहे हैं, और इतनी बुरी स्थिति है कि बाकी का काम तो भगवान जाने। प्रधान अपने गांव नहीं जा पा रहे, प्रधान अपने बाहर जा रहे हैं बेचारे। तो बहुत ही हम तो सिर्फ डीएम साहब से इसलिए आए हैं कि डीएम साहब, हमने तो आंदोलन बहुत कर लिया, अब दोबारा से आपके पास ही आए हैं, आप भैया हमारा ये काम करा दिया। हमारी ये तो जिला पंचायत अध्यक्ष, जो ब्लॉक प्रमुख, और जो हमारी जो सैलरी है जो हमारी आप सरकार के थ्रू दें, बस यही मांगे आपकी। और नहीं मांगे, मनरेगा में 1 साल से हमारे यहाँ पे कच्चा काम चल रखा है। कितनी मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे 11 हैं, जिसमें हमारी प्रधान साथियों शस्त्र लाइसेंस भी है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग की गई आपके द्वारा जिला। जी, सभी प्रधान आए हमारे। गोवर्धन में बिजली विभाग में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर विभागीय संविदा लागू करने समेत कई अन्य मांगों को लेकर संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। वहीं अडीक सब स्टेशन पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने हाथों में पट्टी बांधकर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर विभागीय संविदा लागू करने की मांग को लेकर विरोध जताया। अगर विभाग की मांगे नहीं मानी गई तो विद्युत संविदा कर्मी संगठन के महामंत्री देवेंद्र पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों संविदा कर्मी ने इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मैं एक संविदा कर्मी हूं, आज हमारी काली पट्टी बांधकर पूरे प्रदेश में हमारे संविदा भाई विरोध जता रहे हैं और प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ एक आवाज बुलंद करने का एक प्रयास कर रहे हैं। मांगे कुछ नहीं है ज़्यादा, हमारी हक की लड़ाई है जो आगे चल करके आने वाले दिनों में बहुत भयानक रूप लेगी। हमारी मांगे हैं कि हमारे जो संविदा के सच्चे सैनिक हैं, जो दिन रात अपनी जान लाइनों पर चढ़ कर के काम कर रहे हैं, और आए दिन हादसा भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं अखबार सोशल मीडिया पर, तो उनके यह है कि उनकी जो वेतन की जो प्रबंधन द्वारा जो वेतन नियमित ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि मस्ट्रोल व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि हमारी पूरे प्रदेश में संविदा भाइयों के लिए मस्ट्रोल व्यवस्था की जाए, मगर प्रबंधन के द्वारा मस्ट्रोल व्यवस्था को लागू न कर करके एक ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से हम लोगों को वेतन दिया जाता है, और उसमें वेतन में भी बहुत होता है हमारे साथ, जैसे कि वो भी उसमें ये होता है कि उसमें दो तरीके का जैसे है, एक को 8,000 दिया जा रहा है, एक को 12,000 रुपये दिया जा रहा है, मतभेद होता है, मतभेद होता है, और जबकि काम
हमारे जितने भी संविदा के भाई हैं सब बराबर काम करते हैं, इतने अपनी जान हथेली पर रख करके प्रबंधन और उसकी विभाग की लाइनों को सुचारू रूप से पब्लिक के लिए आने वाले त्योहारों पर हमारी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक और प्रबंधन की जो मंशा है कि 24 घंटे विद्युत निर्बाध आपूर्ति दी जाएगी, तो उसमें हम लोगों का इतना बड़ा अहम योगदान रहता है। अपनी जान हथेली पर रख करके हम लोग काम करते हैं जिससे कि पब्लिक को कोई भी विद्युत व्यवस्था के से परेशानी न हो। आने वाले दिनों में हमारे पूरे प्रदेश के संविदा भाइयों द्वारा और हमारे जो संविदा संगठन के महामंत्री आदरणीय देवेंद्र पांडे जी हैं, उनने कुछ तारीखें अभी दिनांक निश्चित की हैं, उनमें हम पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन हमारा इको गार्डन पर लखनऊ होना है। मैं एक संविदा कर्मी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी चुनाव और आचार संहिता के मद्देनजर सूचना मिली थी कि इको कार अवैध शराब लेकर बड़वानी की ओर से आ रही है, जिस पर पुलिस ने सोडल बाबा मंदिर के पास नाकाबंदी की और कार को रोकने का प्रयास किया, तो शराब से भरा इको वाहन तेज गति से गढ़पुर चौकड़ी से होते हुए निसरपुर की ओर भागने लगा, जिस पर पीछा किया गया तो एक व्यक्ति कार से उतरकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसके बाद गाड़ी को चेक किया तो उसमें ब्लैक फोर्ड स्ट्रांग बियर की 46 पेटियां जब्त की गई। वहीं पुलिस ने दोनों अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, ये अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब, अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जो एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी, कल टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि एक बड़वानी तरफ से गाड़ी जो है इको गाड़ी है जिसमें शराब भरी हुई है और वो कुछ की तरफ आने वाली है। उस पर से जो टीम है उसको तीन भागों में बांटा गया था। एक टीम को एसआई नीलेश मालवी लीड कर रहे थे, दूसरी टीम को मैं और साथ में एसडीपी साहब थे। हम लोगों ने अलग टीम बनाकर जब मुखबिर के बताए अनुसार नाकाबंदी की, तो जैसे ही जब गाड़ी को आई उसको रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी जो है आगे तेजी से भागी, फिर इसका पीछा करते हुए गणपुर चौकड़ी और आगे तक गए और जो अगली टीम थी उसने घेराबंदी करके जब इसको पकड़ा, तो जब इको गाड़ी को चेक किया गया तो इसमें शराब के पेटियां भरी हुई थी, इसमें ब्लैक फोर्ट स्ट्रांग सुपर स्ट्रांग शराब थी और करीब इसमें 46 पेटियां पाई गई है जिसकी कीमत 1,43,000 है। साथ में जो इको गाड़ी है ये भी जब्त हुई है जो 3 लाख कीमत की है। इस प्रकार से 4,43,000 का मशरूका जब्त हुआ है, शराब जब्त कर ली गई है और इसमें जो मौके पर जो इसमें जो साथ में चालक सुबान था, सुबान पिता मदन भील कुछ कुड़जेता थाना बाग का है ये, और उसके साथ में एक अनिल था, ये दोनों को इसमें आरोपी बनाया गया है। मौके में अंधेरे का फायदा उठाकर ये लोग वहां से फरार हो गए थे, इनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है। ये शराब कहाँ से लाई जा रही थी, किसको देने के लिए जा रहे थे, इन सभी बिंदुओं पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब, अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जो एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी, कल टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि एक बड़वानी तरफ से गाड़ी जो है इको गाड़ी है जिसमें शराब भरी हुई है और वो कुछ की तरफ आने वाली है। उस पर से जो टीम है उसको तीन भागों में बांटा गया था। एक टीम को एसआई नीलेश मालवी लीड कर रहे थे, दूसरी टीम को मैं और साथ में एसडीपी साहब थे। हम लोगों ने अलग टीम बनाकर जब मुखबिर के बताए अनुसार नाकाबंदी की, तो जैसे ही जब गाड़ी को आई उसको रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी जो है आगे तेजी से भागी, फिर इसका पीछा करते हुए गणपुर चौकड़ी और आगे तक गए और जो अगली टीम थी उसने घेराबंदी करके जब इसको पकड़ा, तो जब इको गाड़ी को चेक किया गया।